सरकार थी, तेल का दाम 60 से 61 रुपए हो गया,
तो बीजेपी के नेताओं ने छाती पीट पीट के पूरे भारत बंद कर दिए और कहा कि सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही, हमारी जेब पे डाटा डाला जा रहा है, 60 रुपए का 61 रुपए हो गया। अरे देख लो आप खोल के 80-90 रुपए लीटर तेल बिक रहा है। किसान से नौजवान से कोई सरोकार नहीं है। अब आप लोगों को तय करना है, दो पार्टियों का चुनाव है। चुनाव पहले भी आया था लेकिन पहली सभा हमने की थी सेवा मानसी की, मुस्कुरा रहे मानसी की मुस्कुरा रहे। अब हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं साथियों, टिकट मांगने वाले बहुत लोग होते हैं लेकिन अंत में पार्टी ने निर्णय किया व्यक्ति को टिकट मिलेगा लेकिन चुनाव पूरा संगठन लड़ेगा। और मुझे कहते हुए खुशी है कि 12 में चारों की चारों सीट कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी। मैं अभी मानवेंद्र सिंह जी के क्षेत्र में था झालावाड़ में, उससे पहले रामगंज मंडी में था, डग में गया, जहां जहां मैं सवाल कर रहा हूं लोगों का हुजूम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में देखने को मिल रहा है। आज जो रौनक लोगों के चेहरों पर है, जो आत्मविश्वास हमारे साथ नौजवानों का जुड़ गया, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी, जीतने के बाद राज्य जनता का बनेगा। आज क्या हाल हो गए, अभी अलवर जिले में 2-3 दिन पहले कुछ नौजवानों ने बेरोजगारी का आलम इतना हो गया उन्होंने आत्महत्या कर ली। आप साथियों जरा सोचो, इस प्रदेश के नौजवान जिनकी प्रतिभाओं पर हमको गर्व और फख्र होना चाहिए, उनका विश्वास लाडी तो भाषण देते हैं गाड़ी से उतरेंगे रिपोर्टर वाला अरे भैया पीछे सर अरे नशे देख रहे कोई कोई वोटिंग पत्रकार ये वो सचिन ये छोरो सो काली जाके जाओ फोन नीचे रख लियो। हाँ यार मन ज्ञान दे यार जाकर जाओ। हाँ ये देख लो सचिन पायलट दूसरी सभा करनी ना टाइम वेस्ट। अच्छा तुमको क्यों हो ये जो राजेश पायलट के पिताजी का नाम हेलो घूम गया कर दे बैठ बैठ देर लागी देख ले हेलो बैठ बैठ देर लागी चालू कर दे अरे अरे भैया हेलीकॉप्टर देख लो यार जल्दी से उठ जाना यार परेशान हो रही जनता जबरदस्त यार।
जब लेते हो।